जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो स्पेशली ये है मेरी प्यारी बहनों के लिए, गर्ल्स के लिए ये वीडियो है। तो उनकी ट्रेनिंग के संबंध में ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ये बोल रही है बार बार कि आप गर्ल्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते या ट्रेनिंग पे कोई वीडियो नहीं बनाते, तो ये वीडियो मैंने आपकी ट्रेनिंग के लिए बनाया है कि आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है उसमें, और क्या क्या जो जो चीज़ आपको घबरा कर रही है, आपको परेशान कर रही है, उनके संबंध में मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही बता दूँ, अगर कोई नई एसएससी जेडी की तैयारी कर रही है मेरी प्यारी बहन, या इस अगले बैच में जो 25 मार्च को जो वैकेंसी आ रही है उसमें अगर तैयारी करना फॉर्म भरने वाले हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं नए नए जॉब के जो भी अलर्ट होते हैं, नई वैकेंसी कौन सी आएगी उसके बारे में, साथ ही आपको एसएससी जेडी से संबंधित बहुत सारे पढ़ाई के मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा। तो हाँ, उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मैसेज करने की ऑप्शन नहीं होगा। तो अब मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग में कईयों को लगता है कि कैसी ट्रेनिंग होगी, कई बार बार बोल रहे हैं कि सर हमारी ट्रेनिंग कैसी होती है, गर्ल्स की ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है। तो अगर आप बैठे हो तो आपके लिए, अब जैसे आप एक बात आप खुद सोचिए कि अगर आप घर पर बैठे हो बहुत दिनों से, लड़के तो और भी थोड़े बहुत ग्राउंड अराउंड में जाते रहते हैं, खेल कूद करते रहते हैं, लेकिन आप इतना नहीं करते हो। तैयारी के समय जब रनिंग करनी होती है तब तो आपने तैयारी कर ली, उसमें उसके बाद में आप तैयारी नहीं करते हो इतनी, और घर पर बैठे रहते हो, तो आपके लिए थोड़ी सी वो हार्ड उस समय हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ भी कराया जाएगा फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला हो। लेकिन इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना टफ हो जाएगा, लड़कों जैसी ट्रेनिंग होती है, नहीं, लड़कों जैसी नहीं होती है। कि जब ऊपर वाले ने आपकी और जो लड़के की बॉडी है उसमें फ़र्क जो बनाया है, स्ट्रक्चर जो बनाया है, मेरी हाइट की, मेरी जितनी हेल्थ की, अगर लड़की साइड में खड़ी रहेगी उसका वेट करोगे वो 60 के आसपास होगी, मेरा 80 के जी वेट है। तो ये तो कुदरत ने बनाया है, तो आपको चाहे कितनी भी मेहनत करा ले, लड़के जितनी ताकत आ पाना बहुत मुश्किल है। तो उतनी हार्ड ट्रेनिंग आपकी लड़के की बजाय जितनी नहीं होती है, तो थोड़ी सी लेवल में होती है। जैसे आपकी रनिंग के टेस्ट में भी लड़के के बराबर टेस्ट नहीं होता, वो भी कम होता है ना, तो उसी प्रकार आपकी ट्रेनिंग भी थोड़ी सी लड़कों से डाउन होती है, नॉर्मल होती है, और आपको घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कई लड़कियों को जैसे गर्ल्स वाली बीमारी होती है, कईयों को उससे बहुत डर लग रहा है कि कईयों के पेट बहुत ज़्यादा दर्द करता है उस टाइम पे, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है पेट में, कईयों के और भी बहुत सारी इस प्रकार की प्रॉब्लमें होती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपको उस समय भी फिर इतना प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा नहीं, आपकी कंडीशन अनुसार आपको रिलीफ दिया जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कईयों को ये परेशानी होती है कि उनका पेट बहुत ज़्यादा दर्द, उनको मतलब और भी इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स की जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कईयों को, अभी भी मुझे पता है कईयों को हो प्रॉब्लम होगी, वो बार बार टेंशन ले रही होगी ट्रेनिंग में हमारा क्या होगा, ज्वाइनिंग के बाद में क्या होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो होते सब गर्ल्स ही होते हैं, हाँ जेंट्स भी होते हैं लेकिन गर्ल्स भी होते हैं साथ में, तो उनको भी आपकी प्रॉब्लम में सब पता रहती है, उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करते हैं उस टाइम पे आपको। और साथ में जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करोगे वहाँ पर, तो मैं 101% बोल देता हूँ आपके जो ये प्रॉब्लम है गायब हो जाएगी फिर नहीं, क्योंकि ये आपकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से ये ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिनको आप कंटिन्यू अगर 2-4 महीने कर लोगे तो ये प्रॉब्लम में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप 2-4 महीने ऐसी कोई करते नहीं हो इसलिए ऐसी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हाँ, वहाँ पर आप जब करोगे ये सब चीज़ें तो ये प्रॉब्लम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और यकीन मानिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर भी होते हैं उनमें ज़्यादा लड़कियों की संख्या भी होती है, हाँ जेंट्स भी होते हैं लेकिन लेडीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, तो आपकी प्रॉब्लम को समझते भी हैं, आपको उस समय इतना प्रताड़ित ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर वाले भी कईयों के चिंतित हो जाते हैं इस विषय को लेके कि ये लड़की तो अभी इस हालत में ऐसे हो जाती है, मुझे पता है कई बहनों का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस समय, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ज्वाइन करना अच्छे से, आपकी सब, आपको फिजिकल देखते हुए, आपके मतलब हेल्थ को देखते हुए सब काम होते हैं, और ट्रेनिंग इतनी हार्ड नहीं होती है आपके लिए। हाँ, थोड़ी सी हार्ड आपके लिए पड़ेगी 1-2 महीना, लेकिन उसके बाद में बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग जाएगी। ट्रेनिंग का जो पूरा आपका शेड्यूल है उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा, कितने वीक की ट्रेनिंग होगी, किस प्रकार से होगी, कैसे कैसे टेस्ट होंगे, इसके बारे में गर्ल्स की पूरी जो ट्रेनिंग वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ी जाइए। अब जय हिंद है।